जिस तलवार तालिबात। अब हम हमारी कहानी स्वतंत्रता का तीसरा हिस्सा देखेंगे। पिंजरे में कैद किए जाने की वजह से तोते को इतना दुख हुआ कि ना ही उसने पानी पिया और ना ही अपनी चोंच में दाना लिया। मोंटू ने अपने पिताजी से 15 अगस्त का महत्व पूछा। पिताजी ने कहा, स्वतंत्रता यानी आजादी, अपनी इच्छा से हर कार्य को करने की सुविधा। मोंटू ने अपने पिताजी से सवाल किया कि आजादी सभी के लिए होती है, तो पिताजी ने कहा कि आजादी सबका अधिकार है। मोंटू को ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन मोंटू तोते के पिंजरे के पास आया और उसने तोते से कहा, दोस्त तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो मैं शीघ्र ही तुम्हें आजाद कर दूंगा। तोते को मोंटू की ये बात समझ में आई। कुछ दिनों बाद मोंटू 15 अगस्त के लिए तैयार हुआ। उसने अपने पैरों में जूते पहने और हाथों में तिरंगा लेकर वो पाठशाला चला गया, लेकिन वो जाते जाते अपना वादा भी पूरा कर गया। तो बच्चों, आपको इससे क्या समझ में आया है? मोंटू ने अपना वादा पूरा किया, इसका ये मतलब है कि मोंटू ने तोते को आजाद कर दिया। 15 अगस्त जो हमारा यौमे आजादी है, उस पे मोंटू ने तोते को आजादी का तोहफा दिया। तो हमें भी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आजादी एक बहुत अनमोल तोहफा है और हमें उसे बहुत संभाल कर और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।